मोदी की कोई गारंटी नहीं है, मरने की गारंटी है। बीजेपी जो वोट देगा वो मरेगा। बीजेपी भी बोल रही 14 में 14, आप भी 14 में 14। 14 में 14 नहीं आएगा बीजेपी, कमल फूस हो गया उसका। अच्छा। वो जुमलेबाजी की सरकार है। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इस बार विकसित भारत चाहिए तो कमल का बटन गिरा। विकसित भारत नहीं, भीख भारत चाहिए। फिर मोदी जी आएंगे तो भीख मांगना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, आप तेजस्वी यादव जैसा क्यों दिख रहे हैं? जमशेदपुर के गोपाल मैदान में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जनसभा थी जिसमें इंडिया घटक दल के बड़े नेता शामिल हुए थे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल हो, आप सांसद संजय सिंह हो, इंडिया घटक दल के जितने नेता थे, कल्पना मुर्मू सोरेन हो और जितने झारखंड सरकार के मंत्री हैं, वो आए थे यहाँ पर। आपको आम आदमी पार्टी हो, चाहे आरजेडी के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, सभी नेता सभी कार्यकर्ता जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में आज जमा हुए थे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो हैं एक कार्यकर्ता कहें, नेता कहें, क्या नाम हुआ आपका? मलकीत सिंह। अच्छा ये बताइए आप पार्टी प्रदेश सचिव। अच्छा ये बताइए आप तेजस्वी यादव जैसा क्यों दिख रहे हैं? हम सकल हैं क्योंकि हम सकल नहीं है, हम यादव जी है नहीं? नहीं, हम सिंह जी हैं। अच्छा हाँ, हम जमशेदपुर में रहते हैं। हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। हमारा नाम मलकीत सिंह। क्या लग रहा है आप लोग इस बार कितनी मजबूती से खड़े हैं इंडिया गठबंधन के साथ में? इस बार हम लोग सब जगह से लेकर के आ रहे हैं। इंडिया इस बार इंडिया ही रहेगा। और मोदी जी इस बार नहीं आने वाले हैं। प्रधानमंत्री हर जगह जा रहे हैं, सभा कर रहे, बोल रहे हैं मोदी की गारंटी। मोदी की कोई गारंटी नहीं है, मरने की गारंटी है। बीजेपी जो वोट देगा वो मरेगा। 1100 सिलेंडर में मिलेगा, अभी 100 रुपये पेट्रोल है, कल दिन 200 रुपये पेट्रोल हो जाएगा। मोदी जी की गारंटी नहीं, मरने की गारंटी। अभी जो मोदी जी को वोट देगा वो मरेगा। क्या लग रहा है कि झारखंड में आप हैं, 14 लोकसभा सीट पर क्या रिजल्ट मिला? 4-7 पे तो चुनाव हो चुका है, बाकी 7 बचा है। आपको क्या लग रहा है 7 में कितने में बढ़त में हैं आप लोग? सब में हम लोग हैं, 7-7 लेके आएंगे। सातों 7 मंजिल से लेके आएंगे। अच्छा हाँ, जमशेदपुर लोकसभा के क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है आपको? जमशेदपुर मुद्दे के यही हैं कि जो मोदी जी ने कहे थे जुमलेबाजी में अपने कि बेरोजगार जो भी हैं उनको रोजगार मिलेगा, 15 लाख मिलेगा, ये मिलेगा, फलना मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला। वो सब जुमलेबाजी हैं। मोदी जी के जो भी हैं सब जुमलेबाजी हैं। और जुमलेबाजी की सरकार है। अच्छा। मोदी जी की सरकार नहीं है, जुमलेबाजी की सरकार है। अच्छा ये बताइए, आप जो है आपका जो ये गेटअप है बड़ा शानदार लग रहा है, पूरा हीरो रो टाइप है। तेजस्वी यादव का हमशकल जैसा दिख रहा है आप। नहीं, वो हमारे। अच्छा यहाँ पर कितने लोग हैं, क्या लग रहा है, इनका चेहरा किनसे मिल रहा है? तेजस्वी यादव। किनसे मिल रहा है? तेजस्वी यादव। गठबंधन है ना, तो उनके साथ रहेंगे ही, इसीलिए चेहरा असली गठबंधन इसको बोलता है। आज मोदी जी से कोई चेहरा किसी का नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, मोदी से सबका चेहरा मिलना चाहिए। आज ये बोल रहे हैं गठबंधन है, भाई भाई है, हम लोग में यही चीज सीखे है, अगर गठबंधन करते हैं तो भाई भाई बन के रहेंगे। और आज हम एक चीज बोलना चाहते हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी आए थे, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो जमशेदपुर आए थे। और अगर इस बार अगर हम लोग जीतते हैं गठबंधन की सरकार, तो फिर अरविंद केजरीवाल जी जरूर आएंगे, ये वादा है हमारा। चलिए अच्छा बताइए, केजरीवाल बहुत देर तक भाषण दिए, बहुत हेमंत सोरेन पर बोले, भ्रष्टाचार पर बोले, मोदी की गारंटी पर बोले, आपको क्या लगा जितना वो बोले यहाँ की जनता उससे कितना जो है कनेक्ट हो पाई, जुड़ पाई उससे? जनता जो है हमारे यहाँ की जो जनता है वो ऐसी जनता है कि प्यार और मोहब्बत से चलती है। अगर आप एक बार किसी भाई को अगर भाई बोल दीजिएगा ना, तो जनता आपको दिल देके बैठ जाएगी। ठीक है, और इस बार जो है वो बहुत शानदार हम लोग जो है लोकसभा का जो चुनाव है, हम लोग इस बार बहुत अच्छे से, मतलब हर क्षेत्र से हम लोग इस बार अपना आ रहे हैं, निकल रहे हैं आप लोग एकदम। और मोदी की गारंटी पर लोग यहाँ विश्वास नहीं कर रहे हैं एकदम नहीं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, किसी से पूछ लीजिए मोदी किसी को गारंटी है, पूछ लीजिए, कोई भी नहीं बोलेगा। आप बोल रहे हैं कि विकसित भारत अगर चाहिए तो वोट प्रधानमंत्री का चेहरा देखिए, और जो है और कई लोग जो है बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इस बार विकसित भारत चाहिए तो कमल का बटन गिरा। विकसित भारत नहीं, भीख भारत चाहिए। फिर मोदी जी आएंगे तो भीख मांगना पड़ेगा। हाँ ये सब जानते हैं जितने युवा हैं, हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि भाई अपना वोट जो है बहुत कीमती है, और 25 तारीख को आप जो वोट मारिएगा वो तीर और कमान पे मारिएगा। वो जो कहते हैं ना राम जी को लाएंगे, तो हम लोग राम जी के तीर को ही वोट मारेंगे। बिहार की स्थिति क्या लग रही है वहाँ पर क्या लग रहा है आपको? बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे बड़े भाई तेजस्वी यादव जिनका जिक्र कर रहे थे, जिनके जैसा आप दिख रहे हैं, पहले बताइए कि आपका ये जो गेटअप है उस बारे में आपका क्या ख्याल, कभी आपको लगा ऐसा कि आप वैसा उसका लुक वगैरह है आपका?
कभी कोई बोला आपको इससे पहले? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा, ये बताइए बिहार की स्थिति क्या है? बिहार में तेजस्वी यादव जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उनके भाषण से लोग वहाँ जो है बिहार की जनता उनसे सेटिस्फाइड है या लग रहा है कि कन्विंस हो रही है? एकदम कन्विंस हो गई है, हो रही नहीं है, हो गई है। इस बार बिहार से भी झाड़ू मार के साफ किया जा रहा है, इस बार जो है झाड़ू मार के साफ किया जा रहा है, इस बार बिहार से भी झाड़ू मारा जा रहा है। इस बार यूपी के बारे में बता दीजिए, वहाँ क्या? यूपी में तो घर घर में चर्चा है। क्या? समाजवादी का, अखिलेश जी का। अखिलेश जी का, अखिलेश जी भी तो यहाँ आए थे कुछ दिन पहले। अखिलेश जी भी आए थे, रांची में आए थे, झारखंड में आए थे, उनका भव्य स्वागत हुआ था यहाँ पे। चलिए तो उम्मीद है कि इस बार 14 में आप लोग जो है कितना 14 में कितना 14 में 14 लाएंगे, पूरा टाइट लाएंगे, जगह जगह पे भी बोल रही 14 में 14, आप भी 14 में 14। 14 में 14 नहीं आएगा बीजेपी, कमल फूस हो गया उसका, वो जुमलेबाजी की सरकार है। चलिए बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, क्या कहिएगा, क्या लग रहा है आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से? बहुत अच्छा लग रहा है, बस ये झारखंड मुक्ति मोर्चा निकल जाएंगे इस बार लोकसभा? एकदम एकदम, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, एक ही नारा। अच्छा हाँ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, क्यों? क्योंकि बीजेपी जितना भी जो किया है सबसे पूछ सकते हैं आप, अगर बीजेपी कुछ भी अगर अच्छा काम किया होगा वो सिर्फ एक ही काम किया है, सीएम को जेल भेजो, मंत्री को जेल भेजो, विधायक को जेल भेजो, वो खुद दूध का दूल्हा बन के बैठा है। आज कितना घपला वो किया है उसके बारे में, जिस दिन हम लोग की सरकार आएगी बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जेल में रहेगा, एक एक कार्यकर्ता। आज जो इतना बड़ा यहाँ पर सभा हुआ, केजरीवाल आए, बड़े बड़े नेता जो है भाषण दिए, आपको क्या लगा? भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे लेकिन जिस तरीके से बीजेपी जो है भ्रष्टाचार को लेकर के हमलावर है, लग रहा है कि यहाँ पर जो है तस्वीर बदलेगी या फिर जो भाषण है उसका कुछ असर पड़ेगा लोगों पर? एकदम बदलेगा, एकदम बदलेगा, अब जनता जागरूक हो गई है, एकदम बदलेगा, अब 24 में मोदी साफ साफ हो जाएगा पूरा मोदी। झारखंड में? झारखंड में भी साफ, झारखंड में साफ है ये, आप देखिए ना कितना सीट जीत रहे हैं हम लोग, पूरा 14 के 14 सीट हम लोग जीत रहे हैं झारखंड में। जमशेदपुर में कितना मार्जिन रहेगा जीत का? जमशेदपुर में हम लोग विधायक जी, हम विधायक जी का आदमी है, हम लोग चकुलिया से, हम यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चकुलिया से हम लोग हैं, हम लोगों को पता है विधायक जी इतना अच्छा, माने इतने ये है कि विधायक जी के बारे हम लोग जितना भी बोले कम है, हम लोग विधायक जो है वो ठीक है, तो मतलब काम 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 पर भरोसा? हाँ भरोसा हमको पूरा है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.